अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से अपने घरों में होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली गार्लिक प्रॉन्स। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स ये हैं, प्रॉन्स हैं, झींगे बड़े साइज़ के मैंने ले लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने छिलका हटाकर और इसकी नस निकाल दी है, बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। ये एक पाव है छिलके के बगैर। इस कंडीशन में एक पाव मेरे झींगे प्रॉन्स 250 ग्राम्स, दो से तीन खाने के चम्मच हम चिल्ली गार्लिक सॉस यूज़ करेंगे, दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, चिल्ली एक खाने का चम्मच, ये गार्लिक है मैंने फाइन चॉप किया हुआ है, एक से डेढ़ खाने का चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चिल्ली गार्लिक है तो इसलिए चिल्ली और गार्लिक दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक हसबे ज़रूरत, सिरका एक खाने का चम्मच, विनेगर यानी 1 टेबल स्पून, ऑस्टर सॉस मेरा हाफ टी स्पून है और 1 टीस्पून वॉरस्टरशायर सॉस है, ठीक है। ये हरी प्याज है, दो से तीन खाने के चम्मच मैं इसका वाइट पार्ट यूज़ कर रही हूँ, दो से तीन खाने के चम्मच हरा पार्ट यूज़ कर रही हूँ मैं ग्रीन प्याज का, ऑयल 3 खाने के चम्मच। अब हम स्टार्ट करेंगे। चलिए रेसिपी अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑयल सबसे पहले मैं ऐड करूंगी, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा ये देखें फ्राई होने लगे हैं। गार्लिक जो चॉप करके रखा था 1 से 1.5 खाने का चम्मच वो ऐड कर रही हूँ मैं। हल्का सा ऐसे भी हम फ्राई करेंगे। हो जाए हल्का सा, देखिए हल्का हल्का सा ये फ्राई होने लगा। अब मैं ग्रीन चिल्ली भी चॉप मैंने करके इसमें डाल दिए 1 खाने का चम्मच। गार्लिक और चिल्ली ज़्यादा इसलिए ऐड हो रही है, चिल्ली गार्लिक प्रॉन्स बन रहे हैं। 1 से 1.5 खाने के चम्मच फाइन चॉप गार्लिक है और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च ग्रीन चिलीज। गार्लिक और चिल्ली की एक अच्छी सी स्मेल आने लग गई है। इसे हम टोटल 2 मिनट फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट। हल्का सा इसमें कलर आ जाए गार्लिक का तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ ऐड करती हूँ। इसमें कलर आ चुका है, अब मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। 2 टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसको फाइन चॉप कर लिया है। टमाटर गलते हैं फिर मैं आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब टमाटर गल चुके हैं, आप देख लो। अब मैं इसमें प्रॉन ऐड कर दूँगी।
देख रहे हैं प्रॉन, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास बड़े साइज के प्रॉन्स हैं, पांच मिनट में इसे कुक करूंगी, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। मिलते हैं पांच मिनट बाद। पांच मिनट हो गए, अब मैं इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक हसबे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च यह मैं डाल रही हूँ, ऑस्टर सॉस ये ऐड कर रही हूँ, वॉरेस्टर शाही सॉस ये मैंने ऐड कर दिया है। बस इसे पाँच मिनट और पकाकर फिर मैं आपको बताती हूँ इसका फाइनल लुक क्या रहा है। ये अब मैं इसमें एक चम्मच सिरका भी डाल रही हूँ। दो से तीन मिनट और बनाएंगे फिर वापस आते हैं। अब मैं इसमें हरी प्याज थोड़ी सी ऐड कर दी है, पत्तियाँ जो हैं। अब मैं इसे सर्व करने के बाद आपको दिखाती हूँ ये कंप्लीट कैसे लग रहा है डिश आउट होने के बाद। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ प्रॉन्स को।